मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया साई, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन सुमित्रा और जिब्री अब भी मुझसे नाराज ही हैं। मेरे सामने देखने तक को तैयार नहीं है साई। मेरे गहने और पैसे भी नहीं लिए। मैं मानती हूँ कि वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ तो इकट्ठे हुए थे। कल हम शायद उनको देकर थोड़े और मोहलत मांग सकते थे, और शायद वो लोग कुछ और समय दे भी देते। लेकिन सुमित्रा नहीं मानी साई। मैं जानता हूँ शांता ताई, कि आपने सच्चे दिल से मदद करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा और लक्ष्मी जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा उसका भी ख्याल कीजिए। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो कई बार दूसरे को दोष देने के बजाय वो खुद को ही दोष देने लगता है कि गलती मेरी थी, मैंने उस पर भरोसा ही क्यों किया। और फिर दूसरी बार उसे इंसान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर यह धोखा किसी अपने से या अपने किसी करीबी से मिला हो, तब तो भरोसा करना और भी मुश्किल है। एक तो धोखा और उस पर अपनों से मिला धोखा, आप समझ रही है ना। सुमित्रा ने तो आप पर भरोसा करके अपनी इकलौती बेटी लक्ष्मी की जिंदगी आपके हाथ में सौंप ही दी थी। रहिमन भागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए। अगर तुझे वाकई मेरी चिंता है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। तुझे मेरी कसम है, कल दोपहर 12 बजे तक तुम लोगों को इन्हें 300 रुपए लाकर देने होंगे, और अगर नहीं दिए तो सेठ परशुराम जी के साथ झीपरी को जाना होगा दासी बनके। मैं ही मूर्ख थी जो शांता का पे भरोसा कर बैठी। मैंने ही अपनी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। Thank you.
अपनी बेटी को जो दुख मैंने पहुंचाया है उसके बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं है। करने जा रही है, ऐसा मत कीजिए। गायब हो गया। क्या कर रही थी आप? एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? नहीं साई, मुझे जीने का अधिकार नहीं है साई। मैं मेरी बच्ची को बचाने के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं और ना ही ये स्वीकार कर पा रही हूं कि मैंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी।
मैं उसे परशुराम की गुलामी से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर। कल 12 बजे तक मैं परशुराम को पैसे नहीं दे पाऊंगी साई, और मेरी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साई। कोई भी माँ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है? मैंने काल आके खड़ा कर दिया मेरी बेटी को, काल आके खड़ा कर दिया। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, अपनी जान देकर अपनी बेटी की मदद कैसे कर रही थी आप? क्या आपके जान दे देने से समस्या का हल हो जाता, सारी परेशानियां खत्म हो जाती? एक तो लक्ष्मी वैसे ही परेशान है, और अगर आप जान दे देती तो जीवन भर उसे यह दुख सताता रहता, उसे यह ग्लानि बनी रहती कि उसके कारण उसकी मां ने प्राण त्याग दिए, उसकी मां ने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से। मैं क्या करूं साईं, क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे तो उसकी तरफ देखना चाहिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आई अभी कुछ देर और रसोई में रहेंगी, यही मौका है मेरे लिए।
जिप्री, जिप्री, केशव तुम यहाँ? तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किया है मैंने, वही देने आया हूँ। ये पैसे लो और उस आदमी के मुंह पे दे मारो। वो सब तो ठीक है केशव, लेकिन ये पैसे तुम लाए कहाँ से? मैं जैसा कह रहा हूँ तुम बस वैसा करो, ये पैसे लो और खुद को बचाओ। नहीं केशव, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते ये पैसे कहाँ से लाए हो, मैं नहीं लूंगी। ये जिद करने का समय नहीं है जिप्री, 12 बजने में ज्यादा समय नहीं बचा है, ले लो। नहीं केशव, मैंने कहा ना जब तक तुम मुझे नहीं बताते मैं नहीं लूंगी। पिताजी से, उनसे लिए मैंने। मतलब तुमने चुराए हैं? क्योंकि सरकार मेरी मदद करे तो तुम्हें पैसे दे नहीं सकते। केशव तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? चलो मेरे साथ। साई, देखो केशव ने क्या किया। ऐसा कुछ गलत नहीं किया है मैंने, अपने पिता के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ तुम्हारी मदद करके। प्रायश्चित? खुद एक पाप करके? क्या पाप किया मैंने? चोरी की है तुमने मेरी मदद के लिए। जिप्री मूर्खों की तरह सोचना छोड़ो और एक बार के लिए ये सोच के देखो कि मेरे पिताजी और वो सेठ तुम्हें और तुम्हारी आई को एक जाल में फंसा रहे हैं। अगर उनके ही बुने जाल में मैं उनको फंसा कर तुम्हें बचा रहा हूँ तो इसमें क्या गलत किया मैंने, आप ही बताइए साईं। मंशा ठीक है केशव, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारा। लेकिन साईं किसी को कैसे पता चलेगा? बात पता चलने की नहीं है केशव, चोरी या किसी भी तरीके का गलत रास्ता किसी परेशानी का किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और वैसे भी ये समय तो तुम्हारी परीक्षा का है, तुम्हारे पिताजी पाई पाई का हिसाब रखते हैं, जानते हो ना, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि तिजोरी से पैसे तुमने चुराए हैं और मदद की है लक्ष्मी की और उसकी माँ की। कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा, खास करके लक्ष्मी और इसकी मां के लिए? जाओ ये पैसे जहां से लिए हैं वहीं वापस रखाओ। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। जिप्री तेरी आई कैसी है? ठीक है काकी। सुन तू अपनी आई का ना अच्छे से ख्याल रखा कर, कल रात को उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे डर तो इस बात का है कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया ना तो वो बेचारी पता नहीं क्या कर बैठेगी। मतलब तू नहीं जानती क्या, अरे बीती रात वो कुएं में कूदने जा रही थी।
जीवा, मेरे कारण कितना कुछ हो रहा है। आई बीती रात अपनी जान लेने की कोशिश की, केशव ने मेरे लिए चोरी की। उधर तात्या के बाबा अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए यहाँ से वहां चक्कर लगा रहे हैं। सबकी परेशानियों को अब खत्म करने का समय आ गया है। सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा।